हाय गाइस, मेरा नाम है कबीर खन्ना और अगर आपको नहीं पता है, मेरा एक टेलीग्राम पे फ्री चैनल है जहाँ पे मैं हर एक दिन फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करो और ज्वाइन इन करके पैसे बनाना आज ही से शुरू करो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कबीर खन्ना या फिर आप मेरे को मेरे चैनल से नाम से जानते हो, द देसी ट्रेडर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी दिखाने वाला हूँ जिसको आप यूज़ करके बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाले हो। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि सिंपल होनी चाहिए स्ट्रैटेजी और आपको समझ आनी चाहिए और फिर उसके बाद आपका एनालिसिस ज़रूरी है, उसके बाद आप जो है बहुत प्रॉफिटेबल रहोगे। और मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो है आगे वीडियो में जाके मेरे कपड़े बदलने वाले हैं। वो क्यों है? क्योंकि जब मैंने वो वीडियो शूट की है, कल मैंने वीडियो वो शूट की थी, बट वहाँ पे जो है इंट्रो और आउट्रो की जो फाइल है वो हमारी जो है टेक्निकल एरर की वजह से डिसरप्ट हो गई, क्या बोलते हैं उसको, करप्ट हो गई, मेरे हिसाब से करप्ट हो गई। तो अब जो है मैं फिर से रीशूट कर रहा हूँ ताकि आपको ये इंट्रो देखने को मिल पाए और आउट्रो देखने को मिल पाए। अगर आप नए हो चैनल पे, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि टेलीग्राम पे मैं हर एक दिन फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। तो उसको ज़रूर से चेकआउट करना क्योंकि बहुत ही आप अच्छे प्रॉफिट बना सकते हो वहाँ पे बिल्कुल फ्री में। तो वीडियो को पूरा देखिए और फिर उसके बाद जो है आप कमेंट डाउन बिलो करके बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो और कम्युनिटी को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। बिना किसी देरी के वीडियो देखते हैं, शुरू करते हैं। ओके, तो आज का सेटअप कर लेते हैं। आज हम लगाने वाले हैं पैसे यूएसडी जेपीवाई पे, 1.5 मिनट पे रखेंगे मार्केट को, 4 टाइप मैं करूंगा 5 सेकंड्स पे और इसको ले जाते हैं आगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ हर एक पेयर का कई बारी जो है टाइम फ्रेम डिफरेंट हो सकते हैं। इंडिकेटर्स आज हम यूज़ करने वाले हैं फ्रैक्टल इंडिकेटर, हमारा दूसरा इंडिकेटर होगा हमारा मगरमच्छ भाई एलिगेटर इंडिकेटर। इसकी कोई भी सेटिंग नहीं चेंज कर रहा हूँ, बस शिफ्ट थोड़े से चेंज कर रहा हूँ, 6, 3 और 2 कर रहा हूँ। कलर्स आप देख सकते हो अपने हिसाब से, विर्थ आप अपने हिसाब से रख सकते हो, मैं ज़्यादा आपको इसमें चेंजेस करने को नहीं ही बोलूँगा, जैसे आपको कंफर्टेबल रहता है वैसे कीजिए। MACD लगा लेंगे, हमारा थर्ड इंडिकेटर रहने वाला है और इसके जो है विड्थ मैंने बढ़ाई है। स्लो पीरियड को इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं 23 और फास्ट पीरियड को कर लेते हैं 9, बाकी सब कुछ सेम रहने देंगे। और ये आज की हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है, 3 इंडिकेटर्स फ्रैक्टल्स एलिगेटर और MACD। हम देख रहे हैं कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ काफ़ी ग्रो चल रही है, तो एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर जाएगी मार्केट और उस हिसाब से जो है ट्रेड लगाते हैं। ओके, तो मार्केट जो है वो ऊपर जाने के बाद अब नीचे वाला ट्रेंड उसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग शुरू हुआ हुआ है, तो मैं उसका फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। हम देख सकते हैं कि हमारा जो एलिगेटर है वो भी काफ़ी क्लोज आ चुका है कि हमें दिखा रहा है कि भाई डाउनवर्ड ट्रेंड यहाँ पे चल सकता है। और हम अगर अपनी जो मार्केट है देखेंगे MACD की नज़रों से, तो हम देखेंगे कि MACD की लाइन जो है वो नीचे की तरफ जा रही है हमारी सिग्नल लाइन के साथ पैरेलली, और उसका कोई ऊपर जाने का यहाँ पे कोई भी संकेत नहीं दिख रहा है। वहाँ पे हिस्टोग्राम में भी जो है हमारे रेड बार्स आ रहे हैं। हम अपना फ्रैक्टल देखेंगे तो फ्रैक्टल का भी जो ग्रीन वाला एरो है वो ऊपर आ चुका है कि हमने दिखा उसने दिखा दिया है कि जो मार्केट है वो नीचे को जा रही है। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया 60,000 रुपये का और अब बस अब हम वेट कर रहे हैं ट्रेड क्लोज होगा और हम अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेंगे, जो कि आज के ट्रेडिंग सेशन का हमारा पहला प्रॉफिट होने वाला है। देखते हैं क्या होगा। हम देख सकते हैं कि एंट्री पॉइंट है उससे काफ़ी दूर चल रहा है, हमारा मार्जिन जो है बहुत अच्छा है और यहाँ पे जो है हमने प्रॉफिट बना लिया है। 60,000 रुपये लगाए थे और 1,00,000 हमने 9,200 बना लिए, 1,10,000 ही बोल सकते हैं इसको। डिटेल्स और ग्राफ आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया आज का ये हमारा जो है सेशन शुरू हुआ है और होप करता हूँ ऐसे ही कंटिन्यू करेगा। तो चलिए चलते हैं अगली ट्रेड की तरफ। ओके, अब जो मार्केट है वो काफ़ी नीचे जा चुकी थी एक बारी, तो अब मेरे हिसाब से जो है ऊपर उठनी चाहिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो है हमारे MACD के हिसाब से यहाँ पे मार्केट क्रॉस हो चुकी है, ठीक है। तो 90,000 रुपये का ट्रेड हमने जो है अप पे लगा दिया है क्योंकि जो मेरे हिसाब से मार्केट ग्रो करनी चाहिए यहाँ पे अप की तरफ। क्यों करनी चाहिए? हमारा जो है एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो एक डाउनवर्ड मूवमेंट चला था, फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा सा और ऊपर गई, फिर उसके बाद वो सस्टेन नहीं कर पाई, फिर वो फिर से नीचे आई, अब वो फिर से ऊपर
ऊपर जा रही है। मेरे हिसाब से जो है जो ऊपर वाला ट्रेंड पहले शुरू हुआ था वो यहाँ पे कंटिन्यू होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक आपका ट्रेड लगाया है। ये पहले की जो मार्केट मूवमेंट है उसको देख के लगाया है, MACD को देख के लगाया है और करंट मूवमेंट जो है मार्केट की उसको देख के लगाया है, और हमारा जो एलिगेटर हमें सही हमें दिखा रहा था उसको देख के लगाया। ठीक है, ये सब कुछ आपने दिमाग में रखना है, अपना एनालिसिस करना है, सब अपने ट्रेंड्स देखने हैं, सब अपने इंडिकेटर्स देखने हैं और फिर सबसे जो लॉजिकल हमें लगेगा उस पे हमने ट्रेड लगाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। तो 5 सेकंड और बाकी है, 90,000 रुपये का हमने ट्रेड लगाया, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हमारा बनने वाला है जो कि बन चुका है। 90,000 रुपये हमने लगाए थे और 164,700 रुपये हमने इस ट्रेड पे बना लिए, एक सिंगल ट्रेड पे हमने इतने ज़्यादा पैसे बना लिए। मैं नहीं बोलता आपको कि आपको 1,00,000 का ट्रेड लगाना है, आप 900 रुपये से शुरू करो, आप 100 रुपये से शुरू करो, आप 500 रुपये से शुरू करो, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, शुरू कीजिए और सिंपल स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके प्रॉफिट बनाना धीरे 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 शुरू कीजिए। आने वाले ये जो हमारा साल हमारा जो ये है 2024, ये आपका बहुत अच्छा रहे, बहुत प्रॉफिटेबल रहे, बस आप शुरू कीजिए कुछ नया। तो गाइज आपने देखा कि आज का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी अच्छा चल रहा है और यहाँ पे जो है अब थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है। अब मेरे को यहाँ पे लग रहा था पहले कि मार्केट डाउन की तरफ जा सकती है, हमारे फ्रैक्टल ने भी यही बताया और हमारा जो है यहाँ पे एलिगेटर भी वो भी नीचे की तरफ आने वाला था, बट यहाँ पे मैंने अब अप का क्यों लगाया ट्रेड, क्योंकि मार्केट अभी रिसेंटली ही जो है काफ़ी एक कंसिस्टेंटली डाउन को गई थी और फिर उसके बाद जो उससे पहले मार्केट काफ़ी देर के लिए ऊपर रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मार्केट ऊपर को गई है और नीचे वाला जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पहले भी हमारी जब मार्केट गई नीचे उसके इमीडिएटली बाद विद इन अ मिनट और टू हमारी जो मार्केट है वो ऊपर को आ गई और वहाँ पे जो है अपना मार्केट को स्टांस जो है वो मेंटेन कर रही थी। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ ही रहेगी और अपना सस्टेन करेगी इस पॉइंट को, और इससे नीचे अभी मेरे हिसाब से जो है मार्केट नहीं जानी चाहिए। बट जैसे ही मैंने बोला मार्केट नहीं जानी चाहिए नीचे, वो वैसे ही नीचे जाने लग गई है। तो मेरे हिसाब से तो मार्केट ऊपर रहनी चाहिए और यहाँ पे पुल बैक ज़रूर होना चाहिए। वाइट कैंडल आ रही है बिल्कुल सही, ऊपर ऊपर ऊपर, प्लीज़ 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 चल 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 ऊपर 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 ऊपर, बिल्कुल सही। अगली कैंडल भी ऊपर आ रही है, ठीक है, बिल्कुल सही हो रहा है। मैंने जैसे आपको बोला था कि मार्केट जो है उसका जो है डाउनवर्ड ट्रेंड जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो मार्केट को नीचे रख सके, आज जो है बुल्स की बारी है और जो हमने बुल्स हैं वो बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट बना के दे रहे हैं, क्योंकि हमने 1,20,000 रुपये लगाया था एंड ऑलमोस्ट डबलिंग दैट मनी हमने यहाँ पे 2,20,000 रुपये कमा लिए ऑन अ सिंगल ट्रेड, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है एक सिंगल ट्रेड के लिए। तो हमने यहाँ पे बना लिया, आप देख सकते हो, और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप भी ऐसे ही प्रॉफिट बनाओ। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको और भी डिटेल्स मिल जाएंगी इस स्ट्रैटेजी को लेके, तो उसको ज़रूर से चेकआउट करना। ओके, तो यहाँ पे जो है मैं अपना सेकंड लास्ट ट्रेड लगाऊंगा आज का, जो कि मैं 2 ट्रेड लगाने वाला हूँ, बड़े हैं वो ट्रेड, 1,20,000-20,000 रुपये के मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड लगाए हैं। अब क्यों लगाए हैं मैंने, अप की तरफ लगाए हैं, क्योंकि जो मार्केट है मैंने पहले भी बोला कि डाउनवर्ड का जो है अपना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है यहाँ पे प्रेशर, और अगर मार्केट जो है वो नीचे जा रही है उसके बाद वो ऊपर को पुल बैक करनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने पहले क्यों नहीं लगाया जब डाउन गई मार्केट की, क्योंकि वहाँ पे जो है अभी मार्केट जो है एक मिड रेंज में थी, अभी जो है वो ओवरसोल्ड सिचुएशन में गई हुई है। जब ओवरसोल्ड सिचुएशन में जाती है तो इसका मतलब क्या होता है, जो मार्केट है वो काफ़ी ऊपर जाएगी, ठीक है, वापस से, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है मार्केट जो है अपने आप को होल्ड नहीं कर पाएगी डाउन पे, और जो हमारे बुल्स हैं वो ही इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मार्केट को ऊपर उठा देंगे, बाउंस बैक करेगी मार्केट ऊपर को। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल एंड पे जो है 1,20,000 के 2 ट्रेड्स लगा के 2,40,000 रुपये लगा के यहाँ पे मैंने 4,36,800 रुपये ऑन अ सिंगल ट्रेड बना लिए हैं। हमने शुरू किया था 10,00,000 रुपये से और हम ऑलरेडी जो है 15,00,000 रुपये पे आ चुके हैं। तो भाई देखो कैसे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है सिर्फ कुछ ट्रेड्स लगा के। तो अगली ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं, आखिरी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ।
USDJPY भी हमें काफी अच्छा प्रॉफिट बना के दे रहा है। बाय द वे 1.5 लाख रुपए का ये जो है मैं आखिरी ट्रेड यहाँ पे लगाऊंगा, जो कि हम डबल ट्रेड लगा रहे हैं यहाँ पे, फिर से आपकी तरफ ही लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ आपको मैंने ऑलरेडी रीजन बता दिया है कि जो आज है हमारी मार्केट, जो USDJPY की मार्केट है, वो नीचे वाला जो ट्रेंड है उसको ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर रही है, एंड कंटिन्यूसली मार्केट जो है वो डाउन जब भी जा रही है वो विद इन लाइक फ्यू सेकेंड्स, 10 or 15 seconds के गैप पे वो ऊपर पुल बैक करना शुरू कर देती है। हम देख सकते हैं कि अभी भी मार्केट जो है वो पुल बैक कर रही है, ऑलरेडी कर रही है, और जो है 30 seconds बाकी हैं और यहाँ पे मैं फुल श्योर हूँ कि जो मार्केट है वो ऊपर रहने वाली है। तो यहाँ पे बस वेटिंग गेम है, थोड़ा पेशेंस का गेम है, और इसको जो है हम बहुत ही शांत दिमाग से और सब कुछ लेके फिर ही ट्रेडिंग लगाते हैं। 3 लाख रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और यहाँ पे जो है हमने वो पैसा लगाया हुआ है जिसका हमें प्रॉफिट भी उतना ही मिलेगा, बस हमें वेट करना है। तो यहाँ पे 2 सेकंड बाकी हैं, 1 सेकंड, और हमने जो 3 लाख रुपए लगाए थे वो 5,46,000 रुपए बन चुके हैं। आज हमने एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में जो है 17 लाख रुपए कर लिया अपना अमाउंट, 10 लाख रुपए से शुरू करके 7 लाख रुपए हमने एक सिंगल सेशन में बनाए। बहुत बढ़िया। ओके गाइस, तो कैसी लगी आपको वीडियो? हमने काफी अच्छा अमाउंट जो है एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में बनाया। ये जो सिंपल स्ट्रैटेजीज होती है ना, जो बढ़िया स्ट्रैटेजीज होती हैं, उनको जब आप यूज करते हो फिर उसके बाद उसको जो है आप समझने लगते हो, तो आपको ये समझ आएगा कि इतना कॉम्प्लेक्सिटी में घुसने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो ट्रेडिंग है उसको हम अपने लिए ही कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, अगर हमें समझ नहीं आ रहा होता है तो और हम उसको कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि सिंपल और जो इजी स्ट्रैटेजी रखो, ताकि आप जो है अच्छे से अच्छा प्रॉफिट बना पाओ, अच्छे से अच्छा समझ पाओ मार्केट को, और अच्छे से अच्छा जो है हमारा एनालिसिस कर पाओ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, कमेंट डाउन बिलो कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपके कोई क्वेश्चंस हैं मेरे से पूछ सकते हो आप, शेयर कर दो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, मेक श्योर टू हिट दैट बेल आइकन ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ आपको सबसे पहले पता लग जाए। मिलेंगे अगली वीडियो में।